हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वार्डनेस के ऊपर। हमारे कोई भी मोटर है, कोई भी पंखा है, कोई भी ट्रांसफार्मर है या फिर जनरेटर है, उसके बाइंडिंग में वार्डनेस का यूज करते हैं, वार्डनेस डालते हैं। अब दोस्तों, वार्डनेस डालने का पर्पज़ क्या होता है, इसके क्या रीजंस होते हैं वार्डनेस यूज़ करने के, अगर वार्डनेस ना डालें तो क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर वार्डनेस डालते हैं तो इसके चार ऐसे रीजन बताइए कि वार्डनेस डालने से जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा वार्निस यूज़ करने के चार रीजन जो कि बहुत ही मुख्य होते हैं। दोस्तों, से शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आजकल क्या है कि पंखे में या फिर हमारा मोटर है उसमें दो प्रकार की बाइंडिंग आने लगा है, एक कॉपर में आता है, एक एल्युमिनियम में आता है। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, ये डाउट होता है कि हमको एल्युमिनियम के बाइंडिंग में वार्निस करना चाहिए या फिर कॉपर के बाइंडिंग में वार्निस करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चाहे एल्युमिनियम का बाइंडिंग हो चाहे कॉपर का बाइंडिंग हो, दोनों ही बाइंडिंग में वार्निस का यूज़ किया जाता है, जो कि मैकेनिकली स्ट्रेंथ उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों, क्या होता है कॉपर और एल्युमिनियम का बाइंडिंग करने का क्या पर्पस होता है, आजकल की जो कंपनियां होती हैं वो कॉस्ट कटिंग के कारण एल्युमिनियम भी यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि एल्युमिनियम सस्ता होता है और कॉपर महंगा होता है। अगर आपकी बाइंडिंग में एल्युमिनियम की बाइंडिंग है तो वो सस्ता पड़ेगा आपको पंखा, और अगर कॉपर का है तो वो महंगा पड़ेगा। लेकिन आपको चाहे कॉपर का हो चाहे एल्युमिनियम का हो, दोनों ही बाइंडिंग में, दोनों ही प्रकार के बाइंडिंग में आपको वार्निस का यूज़ करना चाहिए और वार्निस किया भी जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं चार ऐसे रीजन के कि वार्निस डालने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं और क्या क्या इसके रीजन होते हैं। दोस्तों, अगर बाइंडिंग में वार्निस डालते हैं तो बाइंडिंग का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका बहुत अच्छा हो जाता है, जो मैकेनिकल से बहुत ही अच्छा हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि अगर वार्निस नहीं है और नई बाइंडिंग हुआ है, ठीक है, अगर किसी पंखे में नया बाइंडिंग हुआ है और उसमें वार्निस का यूज नहीं किया गया है, तो जो हमारे बाइंडिंग होते हैं, जो उसमें कई सारे कंडक्टर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब अगर हम पंखे में वार्निस का यूज़ कर देंगे, वार्निस डाल देंगे, तो जो कॉयल उसके होंगे वो सारे कॉयल एक साथ चिपक जाएंगे, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है और उसका बढ़ जाता है, उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। क्योंकि जो वार्निस होता है एक चिपचिपा लिक्विड टाइप का होता है, और जैसे ही उसमें वार्निस डाल देंगे, और वार्निस डालने के बाद उसको 7 से 8 घंटे के लिए उसको सुखा दिया जाएगा, यानी कि उसको ड्राई कर दिया जाएगा, तो वो पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, एक एक वायर उसमें चिपक जाते हैं और वायर इधर उधर भागते नहीं हैं, वो एक ही तरीके में चिपके रहते हैं, जिससे उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि वार्निश डालने से जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या वो कम हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप मोटर में या फिर पंखे में सप्लाई देंगे, जब आप 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जितना वो वार्निश करने के पहले उसका मैग्नेटिक फील्ड था, उतना ही वार्निश करने के बाद भी उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही रहेगा, कम नहीं होता है। अब दोस्तों, जो दूसरा जो कारण होता है वार्निश डालने से, जो जो हमारे बाइंडिंग होते हैं, जो बाइंडिंग के जो कॉयल होते हैं उनमें जो एयर गैप होता है, ठीक है, इससे मान लीजिए कि पंखे में 300 टर्न होते हैं या फिर 400 टर्न होते हैं या फिर 250 टर्न होते हैं, तो जो उसमें टर्न होते हैं, अगर वार्निश का यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो सारे वायर अलग अलग होंगे, तो उन वायरों के जो एक वायर और दूसरे वायर के बीच में जो गैप होगा उसे एयर गैप बोलते हैं। अब अगर वार्निश का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो एयर गैप बढ़ जाता है, जिसके वजह से पंखे में हमिंग के साउंड आने लगता है, ठीक है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम होता है, हमिंग के साउंड आएगा और पंखा में वाइब्रेशन भी होता रहता है। तो अगर वार्निश डाल देते हैं, वार्निश का यूज़ कर देते हैं, उसके ऊपर एक वार्निश का एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो जो उसमें हमिंग के साउंड आता है वो कम हो जाता है, वो फिर नहीं आता है। तो जो तीसरा जो रीजन होता है, सपोज मान लीजिए कि ये एक बाइंडिंग का वायर है, ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक इंसुलेशन होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है, जब आप इसको चाकू से या फिर नाइफ से इसको रगड़ेंगे तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल क्लीन साफ कॉपर आपको दिखेगा। अब दोस्तों, इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है, तो अगर पंखा आपका कंटिन्यू चलता रहता है, पंखा गर्म होने से इसका इंसुलेशन वीक हो जाता है। अब अगर हम इसमें इसको पूरा इकट्ठा करके इसमें अगर वार्निश अगर हम डाल देंगे तो ये पूरी तरीके से चिपक जाएगा, नहीं तो ये सारे वायर अलग अलग रहेंगे। अब जब वार्निश हम डाल देंगे ये सारे वायर एक साथ चिपक जाएंगे,
चिपकने से एक तो इसका इंसुलेशन ये है और दूसरा इंसुलेशन इसके ऊपर वार्निश का लेप चढ़ जाएगा, इसका यानी कि लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसमें डबल कोटिंग हो जाता है, यानी कि एक इंसुलेशन इसका पहले का है और एक जो वार्निश का लेप है लेयर है वो भी इसके ऊपर चढ़ जाएगा जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, इंसुलेशन इसका बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, पंखे के लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब दोस्तों जो चौथा और आखिरी रीजन होता है पंखे की बाइंडिंग में या फिर बाइंडिंग में वार्निश डालने से बाइंडिंग का इंसुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, कम हो जाता है और उसका इंसुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा हो जाता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों यही इसके चार कारण थे पंखे में वाइंडिंग के वार्निश डालने से। तो आपको जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।